अंडरस्टूड, लेट्स डू इट। हेलो दोस्तों, आप लोगों को भी पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है? आप भी चाहते हो कि जो आप एक बार पढ़ लो तो टॉपर्स की तरह आपको भी याद रहे? आप लोगों ने भी सोचा होगा कि जो टॉपर्स हैं ये पढ़ते कैसे, जो इनको एक बार पढ़ा हुआ इतने अच्छे तरीके से लॉन्ग टाइम तक के लिए याद रह जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, जो टॉपर्स होते हैं ना, ये किसी और दुनिया के नहीं होते हैं, ये हमारे जैसे नॉर्मल इंसान होते हैं। ये हम जो हम खाना खाते हैं ये भी वही खाना खाते हैं। हमें सिर्फ ध्यान देना होता है कि हम पढ़ किस तरीके से रहे हैं। जो टॉपर्स होते हैं उनका एक तरीका होता है पढ़ने का, उसी तरह हमको भी एक तरीका बनाना पड़ेगा पढ़ने के लिए, ताकि जो हम याद कर रहे हैं वो लंबे समय तक याद रहे। सो मैं भी कुछ आपको सिखाने वाला हूँ जो कि बिल्कुल भी नया नहीं है, आप उसे जानते अच्छी। इसके लिए आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए फटाफट। सो लेट्स बिगिन। सो स्टूडेंट्स, पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रहे उसके लिए आपको करना क्या? जब भी आप पढ़ने बैठे तो आप चेयर और टेबल का यूज करें, बेड पर लेट कर या सोकर बिल्कुल भी ना पढ़ें। सो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि बैठना प्रॉपर वे में है, अच्छे से बैठना है, ठीक है? अब बहुत लोग आपको बोलते होंगे कि आप मॉर्निंग में उठ के पढ़िए। नहीं, आप अपने हिसाब से पढ़िए। आपको नाइट में पढ़ना है तो आप नाइट में पढ़िए, मॉर्निंग में पढ़ना है तो मॉर्निंग में पढ़िए, बट पढ़िए। पढ़ते समय मोबाइल बंद होना चाहिए, लाइट ऑन होनी चाहिए। और क्या करना है कि जब भी आप पढ़ो तो आपका पूरा फोकस आपके बुक्स में होना चाहिए। आप जो चीज़ पढ़ रहे हो, जो चीज़ समझने का कोशिश कर रहे हो, फुल फोकस्ड आपका वहाँ पे होना चाहिए, ना कि और भी कहीं। जिसे बोलते हैं ना, आपका दिल दिमाग पूरे शिद्दत के साथ आपको पढ़ना है। जैसे आप किसी चीज़ को चाहते हो, कोई कार्टून है, कोई गेम है, तो आप उसको कैसे खेलते हो, पूरा ध्यान वहीं पे रहता है। फिर तो आपको अगर बाजू वाला भी बुलाएगा ना तो भी आपको सुनाई नहीं देता है। तो पढ़ते टाइम भी आपके साथ उसी तरह होना चाहिए कि अगर कोई आपको बुलाए तो आपका ध्यान वहाँ पर जाना नहीं चाहिए। इस तरह पढ़ो, 101% आपको सब चीज़ें याद हो जाएंगी और बहुत लंबे समय तक याद रहेंगी। शुरू में पढ़ा हुआ आप एग्ज़ाम में आराम से लिखकर आ सकते हो, इस तरीके से आपको याद हो जाएगा वो चीज़। और इस तरह से पढ़ने के लिए आपको कम से कम 15-20 दिन मेहनत करनी होगी। ज़बरदस्ती आपको पढ़ना होगा, बैठना होगा पढ़ने के लिए, उसके बाद ये आपकी एक आदत बन जाएगी। आदत बनाने के लिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आपको क्या करना है कि आपको डिटरमाइंड करना है, एक निश्चय करना है कि आपको पढ़ना क्यों है। जब आप एक दृढ़ निश्चय कर लोगे ना, एक बोलते एकदम फोकस डिटरमाइंड कर लोगे, देन यू विल ओनली डू दिस। उसके बाद तो आप कुछ भी कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक सोच बनाओ कि हाँ मुझे पढ़ना है, टारगेट बनाओ कि मुझे दिन भर में इतना पढ़ना है। उसके बाद आप पूरे शिद्दत के साथ लग जाओ उस काम में कि आपको बाहर की दुनिया का पता ही ना चले, इस कदर पढ़ो। उस टॉपिक को, उस चीज़ को समझ कर पढ़ने का कोशिश करो। ज़रूरी नहीं कि आप एक दिन में पूरे 10 चैप्टर ख़त्म करो, नहीं, एक ही चैप्टर आप ख़त्म करो, एक चैप्टर के आप 2 क्वेश्चन ख़त्म करो, बट उन 2 चैप्टर को इस कदर ख़त्म करो कि रिटर्न पढ़ने का ज़रूरत ना पड़े। मीन्स समझ कर पढ़ो, पूरे शिद्दत से पढ़ो, पूरे फोकस के साथ पढ़ो। किसी को भी ना कभी कॉपी करके मत पढ़ो कि वो एक दिन में 10 क्वेश्चन कर रहा है तो मुझे भी कम से कम 8 क्वेश्चन करने। इस तरह से आप बिल्कुल भी मत पढ़िए। आप खुद से आपका कंपैरिजन कीजिए, खुद से अपनी तुलना कीजिए कि आज मैंने 3 क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं तो कल मुझे 5 क्वेश्चन करने चाहिए, या फिर कल मैंने 5 क्वेश्चन किए थे तो आज मुझे 7 क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। इस तरह का आप ओन कंपैरिजन करिए, खुद की तुलना करिए, खुद की कमियां देखिए कहां पे आप कम हो, उन्हें आप सुधारिए, ना कि आप दूसरों की अच्छाइयों को देखिए। अगर आप उनकी अच्छाइयों को देखने जाएंगे तो आप अपनी कमियां और निकालते जाएंगे, सिर्फ आपकी कमियां निकलेंगे, आप उनको सुधार नहीं पाएंगे कभी। तो दूसरों की अच्छाइयां और बुराइयां देखने से अच्छा खुद की बुराइयों को देखिए, कमियों को देखिए और आगे बढ़िए, उनसे उभरिए। जैसे आप उनसे थोड़ा थोड़ा आगे आएंगे ना, आपको पढ़ने में और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। 101% आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे दोस्तों। सो ट्राई, कीप इट अप, कोशिश करिए। बहुत जल्दी आपका नाम टॉपर्स की लिस्ट में होगा आपके स्कूल में। जिन टीचर्स ने कभी सोचा भी नहीं होगा ना, वो भी आकर आपकी पीठ थपथपाएंगे, इतना बेहतरीन आपके साथ स्टडी में, और आप इतना बेहतरीन तरीके से आप याद करने लग जाओगे। बस एक बार आप ठान तो लो कि हाँ मुझे ये करना है, और ठानने के साथ साथ उस चीज़ के लिए आप कोशिश भी करो पूरे दिल और दिमाग के साथ, पूरे शिद्दत से आपको। अंडरस्टूड, लेट्स डू इट, लेट्स बी एंड।